दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचे एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, पूरे भारत में प्रदूषण जो है असहनीय स्तर तक पहुंच चुका है। दिल्ली सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं, दिल्ली के लोगों ने भी कई कुर्बानियां दी हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो पीड़ित है। पंजाब के सीएम ने भी चिंता जताई है, केंद्र सरकार तुरंत राहत के लिए कोई कदम उठाए, केंद्र के सभी पहल का हम समर्थन करेंगे। तो ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार जो है वो प्रदूषण को लेकर जिस तरह से पहले पंजाब और हरियाणा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि जो इन राज्यों में पराली जलाई जा रही है और क्योंकि हवा का डायरेक्शन जो है वो इन राज्यों से होकर जो गुजर रही है, जब दिल्ली आ रही है तो पराली का ही ये प्रदूषण जो है वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। उसके बाद जिस तरह से पंजाब से हमने बयान सुना कि पराली की वजह से ये पॉल्यूशन नहीं है, बल्कि देखने को मिला है कि दीपावली के बाद इस तरह की स्थिति बनी है, तो जो पटाखे जलाए गए हैं उसने भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान दिया है, ये सिर्फ पराली की वजह से नहीं है। तो राजनीति तो हो गई, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने इस पर केंद्र सरकार को घेरा है, अपील की है केंद्र सरकार से एक तरह से कि कोई कदम उठाए जाए केंद्र सरकार की तरफ से, और जो भी पहल केंद्र सरकार की तरफ से की जाएगी पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम उसका समर्थन करेंगे। सब उम्मीद भी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से कम एक बार तो इस प्रदूषण पर बात की जानी चाहिए और कुछ ऐसे हार्ड स्टेप्स हैं जो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोग जो है वो जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं।